हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से टूडी में। आज हम डिस्कस करने वाले जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड से स्टॉक के अंदर आज के दिन 5 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 4% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 113 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में का टॉप था 139 रुपीज का, 139 रुपीज का स्टॉक ने एक टॉप बनाया था। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में की गिरावट देखने को मिल रही है जहां पर स्टॉक का पीछे का सपोर्ट लेवल था 120 रुपीज पर स्टॉक ने इस प्राइस को सपोर्ट लेवल नहीं बना पाया और ऊपरी लेवल पर स्टॉक में फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर एक बड़े सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है जहां पर स्टॉक में 112 रुपीज पर पहले भी स्टॉक ने एक रिवर्सल पैटर्न बनाता हुआ नजर आया। तो अगर स्टॉक ने 112 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन दिया तो यहां से स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टॉक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप 2 रुपए नीचे अराउंड 110 रुपीज का नीचे के एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर के टारगेट अराउंड 125 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में एक बड़ी तेजी भी जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक एक बार 120 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर एक क्लोजिंग बना लेता है तो वहां से स्टॉक के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। पर जब तक स्टॉक 112 रुपीज से नीचे रहता है या इसके एवरेज में ट्रेड करता है स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाए। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।